गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर निश ऑनलाइन क्लास बीसी टू एसएससी क्लास फॉर टेस्ट सीरीज 1। तो स्टूडेंट्स, पिछले ट्रेनिंग से आप लोगों को मैं ट्रांसपोज चैप्टर पढ़ा रही हूं, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ट्रांसपोर्ट को तीन टाइप में बांटा गया है। ट्रांसपोर्ट को कितने टाइप में बांटा गया है? तीन टाइप में। कौन-कौन? फर्स्ट आपका हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंतर्गत रोडवेज एंड रेलवेज आते हैं। परिवहन जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है, सो सबसे तेज और सबसे महंगा साधन है। एंड सिंस लॉन्ग एगो मैन लुकेड एट द बर्ड्स एंड ट्राइड टू फ्लाई लाइक देम विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर बैलून्स, बट विद टाइम ही डिस्कवर्ड दैट देयर हैज टू बी अ मशीन विच कुड कैरी हिम इनटू एयर। तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत पहले से मनुष्य ने पक्षियों को जैसे उड़ते हुए मनुष्य देखते था, जैसे मनुष्य देखता था कि बर्ड्स आसमान में उड़ रहा है, उस तरीके से वो भी उड़ना चाहते थे, तो पक्षियों को देखकर गर्म हवा के गुब्बारे की मदद से उनकी तरह उड़ने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ उन्होंने पाया कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो उसे हवा में ले जा सके। जैसे मैन जो थे वो बर्ड्स को उड़ते हुए देखते थे हवा में, तो वो भी सोचते थे कि मैं भी ऐसे ही हूँ। इसके लिए क्या किया कि गर्म हवा के गुब्बारे की मदद से उनकी तरह उड़ने की कोशिश की। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वो सोचे कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जिससे वे हवा में ले जा सके। तो द क्रेडिट फॉर इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स गोज टू राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स अमेरिका, विलबुर राइट एंड ऑलिवर राइट इन्वेंटेड ए पेट्रोल इंजन एंड फ्लू टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स। आपको जो एरोप्लेन बनाने का जो क्रेडिट जाता है, ये राइट ब्रदर्स अमेरिका के थे, उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है, ठीक है। वो राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने ही इस एयर ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन किया था। विलबुर राइट एंड ऑर्विल राइट दोनों भाई थे। विलबुर राइट एंड ऑर्विल राइट ने एक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया और 3 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। विलबुर राइट एंड ऑर्विल राइट जो दोनों भाई थे, उन्होंने एक पेट्रोल इंजन का निर्माण किया और उसकी मदद से जो है सो 3 मीटर तक उन्होंने उड़ान भरी। इट केम डाउन आफ्टर गोइंग इन डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर सिंस 12 सेकेंड। राइट ब्रदर्स प्लेन वाज कॉल्ड फ्लायर फर्स्ट। तो राइट ब्रदर्स 12 सेकेंड में 37 मीटर की दूरी तय कर नीचे आ गए। ये जो राइट ब्रदर्स थे, इन्होंने जो निर्माण किया था, इसमें 12 सेकेंड में जो है सो 37 मिनट की दूरी का डिस्टेंस तय करके जो है उसकी दूरी तय करके नीचे आ गए थे। और राइट ब्रदर्स के विमान को हम फ्लायर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये राइट ब्रदर्स के का जो प्लेन था, उस प्लेन को हम किस नाम से जानते हैं? फ्लायर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड द यूएसए वर द अर्लीस्ट कंट्रीज टू ऑपरेट एयरलाइंस। टूडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू एयरवेज। आपको जो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए एयरलाइंस के संचालन के लिए सबसे शुरुआती देश थे, वो ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएसए है, वो एयरलाइंस के संचालन के लिए सबसे शुरुआती देश थे। लेकिन आज लगभग क्या है कि आज सभी देश एयरवेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज जितने भी देश हैं वे लगभग सारे कंट्री जो है सो एयरवेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
Aeroplanes fly at the speed of even 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो एक घंटे में 800 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल उड़ती है। द सुपरसोनिक जेट्स कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। एंड सुपरसोनिक जेट ध्वनि की गति सेंटीमीटर की तेज गति से भी यात्रा कर सकता है। ये जो सुपरसोनिक जेट है वो जो है जो आपको साउंड की जो रफ्तार है, साउंड की जो गति है, उससे भी तेज गति से यात्रा कर सकता है। एंड दे कैन इवन कैरी अबाउट 300 to 400 पैसेंजर्स एट ए टाइम। वे 300 से 400 पैसेंजर्स को कैरी करके वे ले जा सकते हैं। एंड ट्रैवलिंग बाय एयर सेव्स टाइम सो मोर एंड मोर पीपल चूज टू ट्रेवल बाय एयर। एंड आज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो इस प्रकार के जो ट्रैवलिंग को लोग चाहते हैं कि कम समय में जो है सो पैसा ज़्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम समय कम लगे और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी की यात्रा तय कर सकें। टाइम को बचत करना, टाइम को सेव करना लोग आजकल चाहता है। सम बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो। कुछ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है आपको लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, टोक्यो में। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट। लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो आपको वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ऑन एरोप्लेन्स। सम इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस आर USA का कुछ इम्पॉर्टेंट एयरलाइन है जिसको आप लोग ध्यान से देख करके इसको नोट डाउन करके इसको लर्न करना है। USA का जो एयरलाइंस है वो है पैन अमेरिकन एयरलाइंस, कनाडा का एयर कनाडा, इटली का एलिटेलिया, ब्रिटेन का ब्रिटिश एयरवेज, रशिया का एरोफ्लॉट, जापान का जापान एयरलाइंस, जर्मनी का लुफ्थांसा एंड पाकिस्तान का PIA। तो एक कुछ सम इम्पोर्टेंट एयरलाइंस है जिसको आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। एंड थर्ड है एयरवेज इंडिया। इंडिया में एयरवेज का क्या है उसके बारे में आगे देखते हैं। आवर कंट्री हैज टू मेजर एयरलाइंस विच आर रन बाय द गवर्नमेंट। हमारे देश में जो है सो दो मेन एयरलाइंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। एयर इंडिया इज इंटरनेशनल एयरलाइन। एयर इंडिया जो है सो आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। एंड इट कैरीज पैसेंजर्स एंड कार्गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ से जो है सो पैसेंजर पूरे वर्ल्ड के लिए जाता है। इंडिया एयरलाइंस कैरी पैसेंजर्स एंड कार्गो विद इन द कंट्री। इट ऑल्सो कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। यह दुनिया भर में यात्रियों को जो है सो ले जाता है। इंडियन एयरलाइंस यात्रियों और कार्गो को देश के भीतर ले जाती है। इंडियन एयरलाइंस जो है सो अपने देश के भीतर ले जाती है। और ये जो आपको इंटरनेशनल एयर इंडिया जो है सो इंटरनेशनल लेवल का है। एक जो है सो यात्री को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ले जाती है। एंड इट ऑल्सो कनेक्ट ये जो है ये इंडियन एयरलाइंस जो है सो नेबरिंग कंट्रीज को और हमारे जो प्रमुख सिटी है शहर को है उसको आपस में जोड़ती है। जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया। आपको कुछ प्राइवेट एयरलाइन हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जैसे गवर्नमेंट हुआ जो जिसको गवर्नमेंट द्वारा संचालन किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट लोगों के पास है वो आपको जेट एयरवेज है, सहारा एयरवेज है, किंगफिशर एयरलाइन है। ये आपको जो है सो ये प्राइवेट एयरलाइंस है जिसको कोई पर्सनल आदमी जो है उसको ऑपरेट करता है। तो आपको आई थिंक ये एयर ट्रांसपोर्ट समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में मैसेज कीजिए।